Sir, every fluctuation. What does the graph say? Stocks are going up and stocks are going down. Good morning, friends. Welcome once again to Nifty analysis from tradingfab.in. आज 4th सितंबर 2019 वेनसडे सुबह के 8:27 हो रहे हैं। नया मंच शुरू हो गया है। पहला ट्रेडिंग सेशन कल था, जबरदस्त निफ्टी में प्रेशर देखने को मिला। करीब 200 पॉइंट की एक ही दिन में गिरावट, ये तीसरी बार है लास्ट 15-20 दिन में। तीसरी बार हमें निफ्टी में 200 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। तो मार्केट संभलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो ये इकोनॉमिक डेटा बाहर आ रहा है उसके वजह से काफी पैनिक मूव यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पर अभी नेक्स्ट सपोर्ट का लेवल क्या हो सकता है निफ्टी के लिए, ये आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन उससे पहले ग्लोबल मार्केट के हालात एक बार देख लेते हैं। कल अमेरिकी बाजार डाउ जोन्स नासडैक में प्रेशर दिखाई दिया, दोनों भी लाल निशान में बंद हुए। यूरोपियन मार्केट भी देखे तो वहां पर भी कुछ हाल यही था, लाल निशान में बंद हुए यूरोपियन बाजार। आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके हैं तो हल्के से बढ़त के साथ इस समय निक्के, जापानीज इंडेक्स और चाइना मार्केट ट्रेड कर रहे हैं। डाउ फ्यूचर की बात करें तो अभी 85 पॉइंट की यहां पर बढ़त देखने को मिल रही है और एसजीएक्स निफ्टी भी पॉजिटिव नोट के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है। तो आज नया मंच शुरू हो रहा है, कल का पहला ट्रेडिंग सेशन था। तो मंथली चार्ट से निफ्टी का एनालिसिस शुरू करेंगे। यह है निफ्टी का मंथली चार्ट, यानी एक कैंडल हमें एक महीने का हाई, ओपन, लो और क्लोज वैल्यू प्रेजेंट कर रहा है हर एक कैंडल। तो लास्ट मंथ यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये अगस्त का कैंडल है, इसे मैं क्लोज कर देता हूँ ताकि और आपको अच्छे से दिखे। तो यहाँ पर हमने देखा था कि ये 20 EMA को जो है ये रिस्पेक्ट कर रहा है, इसको तोड़ नहीं पा रहा है, इसके ऊपर आके ये लास्ट मंथ क्लोज हुआ था अगस्त महीने में। लेकिन जैसे ये फर्स्ट डे था इस महीने का कल, तो इसने इस 20 EMA को ब्रेक कर दिया। हालांकि अभी मंथ खत्म नहीं हुआ, मंथ खत्म होना बाकी है। अगर ये प्रीवियस मंथ का ये जो लो बना है 10,637 को अगर ये कंफर्टेबली ब्रेक करता है तो हमें नेक्स्ट सपोर्ट लेवल यानी 10,000 का ये जो साइकोलॉजिकल लेवल है, जहां पर पास्ट में इसने दो बार सपोर्ट टेस्ट करके बाउंस बैक दिखाया था, तो ये नेक्स्ट सपोर्ट का लेवल हो सकता है। तो यहाँ पर अभी काफी पैनिक मूव कल देखने को मिला, हो सकता है उसका असर थोड़ा सा कंटिन्यू रहे, या फिर जो गवर्नमेंट ये जो पॉजिटिव स्टेप्स ले रही है इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, उसके लिहाज से अगर यहाँ से कोई अपसाइड मूव आता है तो 20 EMA के ऊपर मंथली चार्ट में ये सस्टेन कर सकता है। अगर RSI और प्राइस एक्शन को कंपेयर करें तो हमने कई प्रीवियस वीडियोस में भी यहाँ पर ये निगेटिव डाइवर्जेंस है RSI का, ये बताया था। यहाँ पर RSI जो है ये लोअर हाईस क्रिएट कर रहा है, यहाँ पर प्रीवियस हाई से ये हाई उसके नीचे है और ये हाई इसके प्रीवियस हाई से नीचे है। हालांकि प्राइस एक्शन में यहाँ पर देखे तो हायर हाईस क्रिएट हो रहे थे, यानी ये डाइवर्जन है। RSI हमें बुल्स और बेयर्स की स्ट्रेंथ दिखाता है, तो RSI जब भी यहाँ पर लोअर हाईस क्रिएट करता है तो प्राइस में वहां पर एक फॉल आने का एक चांस होता है। तो हम इस समय देख रहे हैं कि निफ्टी इंडेक्स में एक फॉल आ रहा है अभी, तो 20 EMA को रिस्पेक्ट करना काफी जरूरी है। अगर ये प्रीवियस मंथ का यानी अगस्त का ये लो 10,637 ब्रेक करता है तो हमें टूवर्ड्स 10,000 की तरफ निफ्टी इंडेक्स मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो यह है मंथली चार्ट का सिनेरियो। वीकली चार्ट में देखते हैं, वीकली चार्ट में जैसे कि हम कई सारे पास्ट वीडियोस में भी कहते आ रहे हैं कि ये जो 50 EMA और 100 EMA है इसके बीच में ये इस समय ये ट्रेड हो रहा है, रेंज बाउंड ट्रेडिंग है। तो अभी कल भी एग्जैक्ट देख सकते हैं आप, ये 100 EMA के पास आके रुका था। तो यहाँ पर 10,770 का ये 100 EMA का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक होता है तो इसके बाद अभी यहाँ पर ये जो लो बनाया था कुछ दिनों पहले 10,637 ये नेक्स्ट सपोर्ट का लेवल हो सकता है, और ऊपर ये 50 EMA एज पर वीकली चार्ट 11,200 के आसपास बना हुआ है, तो यहाँ पर ये एक मेजर रेजिस्टेंस है। तो अभी फिलहाल एज पर वीकली चार्ट यहाँ पर रेंज बाउंड ट्रेडिंग हो रहा है, और ये सपोर्ट अगर ब्रेक होता है तो निफ्टी में और भी हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ये है मंथली और वीकली चार्ट का सिनेरियो। डेली चार्ट देखते हैं, डेली चार्ट में अगर आप देखें
इस प्राइस के चार्ट के पैटर्न को देखें अगर आप कई दिनों से, तो यहाँ पर ये यहाँ से ये फॉल आना शुरू हुआ था और ये जो फॉल है इसका स्टिफनेस काफी कंपेयर टू ये कुछ अभी 10-15 दिन अगर आप यहाँ देखें तो ये जो स्टिफनेस था ये काफी ज्यादा है कंपेयर टू ये 10-15 दिन। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये निफ्टी ऊपर जाने की भी कोशिश कर रहा है, लेकिन जो हालांकि यहाँ पर ये इकोनॉमिक डेटा रिलीज हो रहे और पॉलिटिकल इंटरव्यूज भी आ रहे, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का भी इंटरव्यू आया था, फुली नेगेटिव था, एक पॉलिटिकल एम्बिशियस था उसके अंदर। अगर वो इंटरव्यू के ऊपर बात करने जाए तो पूरा एक दिन भी कम पड़ सकता है, लेकिन आप अगर इस सिनेरियो को देखें कुछ लास्ट 10-15 दिन के सिनेरियो को, तो यहाँ पर निफ्टी एक ठहरने की कोशिश कर रहा है, बुल्स मार्केट में एंट्री कर रहे हैं लेकिन बेयर्स उसके ऊपर हावी हो रहे हैं। तो अभी फिलहाल यहाँ पर इस सिनेरियो में अगर ये यहाँ से जो बाउंस बैक हमें देखने को मिला था लास्ट टाइम यानी 10,770-80 के पास, जहां पर वीकली चार्ट में 100 ईएमए आ रहा था, यहाँ पर कुछ दिनों पहले हैमर कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ था, उसके बाद अगर लाइन चार्ट में इसे कन्वर्ट कर दूं तो डबल बॉटम फॉर्मेशन बना था, तो यहाँ से एक उछाल आया था निफ्टी के अंदर। तो ये लेवल भी अगर ब्रेक करता है निफ्टी इंडेक्स तो हमें 10,640 के लेवल्स फिर से एक बार निफ्टी में दिखाई दे सकते हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा 10,640 का, लास्ट प्रीवियस मंथ का भी लो है और यहाँ से निफ्टी बाउंस बैक हुआ था कुछ दिनों पहले, तो ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो निफ्टी इंडेक्स में हमें और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। और अगर इसे ऊपर जाना है तो फर्स्ट हर्डल तो ये 20 EMA का होगा, जहाँ पर 2 times इसने यहाँ पर कोशिश की थी इसे क्रॉस करने की लेकिन हो नहीं पाया, और जब यह 4-5 दिनों पहले इसने क्रॉस किया था तो फिर से एक बार इसने टुवर्ड्स साउथ की तरफ इसे ब्रेक हुआ और तभी हमें ये टुवर्ड्स ये पैनिक मूव देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अभी ऊपर 20 EMA का हर्डल है जो कि अराउंड 11,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, ऊपर 11,000 और नीचे यहाँ पर 10,630 का सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक होता है तो 10,000 का ये जो मंथली चार्ट में हमने देखा लेवल साइकोलॉजिकल लेवल भी है वहां पर निफ्टी इंडेक्स पहुंचता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। तो ये डेली वीकली और मंथली चार्ट का एनालिसिस, चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में। वीकली आज के लिए इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। ये 60 मिनट का चार्ट, अगर निफ्टी इंडेक्स ये जो लो है कल का लो यानी 10,772 इसको अगर ब्रेक करता है तो ही हम इंट्राडे के लिए शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 10,746, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट होगा 10,724, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। और अगर टुवर्ड्स निफ्टी नॉर्थ की तरफ अगर मूव होता है तो ये जो लास्ट हाफ एन आवर का ये बियरिश कैंडलस्टिक है इसका अगर हाई अगर ब्रेक करता है तो इसके ऊपर पिवट पॉइंट का भी लेवल आ रहा है 10,846, तो इस लेवल को कंफर्टेबली ब्रेक करने दीजिए, इसके ऊपर अगर सस्टेन होता है तो ही हम इंट्राडे के लिए बाय पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 10,873, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट होगा 10,919, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो ये एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपके दोस्तों के साथ इस यूट्यूब चैनल को जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।